सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक और न्यू डीजे व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एनलेड की एम्पलीफायर, जो यहां पर फ्रेंड्स सब 1000 वाट की पावर रेटिंग के साथ में रहने वाली है। ये फ्रेंड्स हमारी एनलेड की डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली एम्पलीफायर है, यानी इस एम्पलीफायर के अंदर बेस के लिए हमें डीएसपी भी मिल जाती है। पहले हम बेस के लिए क्रॉस और यूज करते थे, आज उसी की स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए हम बेस के लिए डीएसपी यूज करते हैं। और ये एम्पलीफायर है हमारी डीएसपी वाली एम्पलीफायर है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस एम्पलीफायर का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इस एम्पलीफायर पर हम कितने बेस चला सकते हैं, कौन कौन से स्पीकर इसके लिए सब बेस्ट रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारी 4 स्टैंडर्ड वाली एम्पलीफायर है, तो इस एम्पलीफायर का क्या रहने वाली स्पेसिफिकेशन और उसके अलावा इसकी पावर रेटिंग की बात करेंगे, इस एम्पलीफायर पर हम कितने वाटेज के बेस है वो चला सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही के साथ इस एम्पलीफायर का कनेक्शन और इसकी सेटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। ये हमारी डीएसपी वाली एम्पलीफायर है, तो इसकी डीएसपी को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और इस एम्पलीफायर की क्या प्राइस रेंज रहने वाली है उसके बारे में भी जानेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी एनलेब की X2.5D, जो काफ़ी स्लिम एम्पलीफायर देख सकते हो। ये एम्पलीफायर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है और यहाँ पर इसका फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसकी डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हो, यहाँ पर इसके कुछ बटन्स देख सकते हो। इस एम्पलीफायर के अंदर आपको चैनल के गेन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये एम्पलीफायर हमारी 4 स्टैंडर्ड वाली एम्पलीफायर है, यानी इतनी पतली और इतनी लाइट वेट वाली एम्पलीफायर इतनी तगड़ी हो सकती है, ऐसी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आप दोनों तरफ हीट वेंटिलेशन देख सकते हो। इस एम्पलीफायर की कूलिंग के लिए इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन भी यूज किए गए हीट सिंक को कम करने के लिए। इस एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप इसका कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। ये एम्पलीफायर हमारी 4 चैनल वाली है, जो आप इसकी डिस्प्ले में देख सकते हो। यहाँ पर इसके फ्रेंड्स कहीं पर भी आपको इसके वॉल्यूम्स के नोब यानी गेन के बटन नहीं मिलते हैं, उसको ऑपरेट यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसकी मैनुअली बटन से कर सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर मेन्यू, प्लस, माइनस और म्यूट के बटन आप देख सकते हो। उसके अलावा यूएसबी का दिया है, जो आप इसके सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी वॉल्यूम भी आप इसी बटन के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले मॉडल है इसका X2.5D मिल जाता है। एम्पलीफायर काफ़ी स्लिम है। बात करें आउटपुट की तो 8 ओम्स के अंदर इसका 2000 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर दे रही है। 4 ओम्स की बात करें तो 3500 वाट का आउटपुट चैनल पर चैनल से रहता है। 2 ओम्स के ये एम्पलीफायर स्टेबल नहीं है, ब्रिज मोड के अंदर भी ये फ्रेंड्स एम्पलीफायर को ऑपरेट नहीं करते हैं। इसके अंदर क्रॉस ओवर के लिए डीएसपी बोर्ड यूज किया गया है। SNR 106 dB का मिल जाता है। डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी तगड़ा, यानी 2000 का आपको मिल जाता है। इसके क्लास की बात करें, क्लास D का सर्किट इसके अंदर यूज किया गया। THD है वो 0.01% रहने वाली है और वेट इसका फ्रेंड्स ओनली 7 kg का हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यही है हमारी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन। एम्पलीफायर को देखते हुए इसकी स्पेसिफिकेशन है काफ़ी तगड़ी रहने वाली है, यानी एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस है वो वास्तव में काफ़ी बेटर रहने वाला है। और ये फ्रेंड्स हमारी एम्पलीफायर है वो लाइव के लिए सबसे बेटर एम्पलीफायर रहने वाली है। सो फ्रेंड्स ये है हमारी एनलेब की X2.5D एम्पलीफायर। और अब बात करते हैं इसका मेनली यूज हम क्या कर सकते हैं और क्या इस पर चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एम्पलीफायर है मेन हम लाइव के लिए यूज करें तो सबसे बेटर रहता है। लाइव की ये हमारी फ्रेंड्स फर्स्ट एम्पलीफायर ऐसी है जिसमें इतना आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। इस एम्पलीफायर पर आप लाइन रहे काफ़ी अच्छे से चला सकते हो, स्टेज मॉनिटर दे सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स आप जो लाइव के लिए यूज करने वाले सबवूफर्स है जो आप इस पर बड़े आराम से चला सकते हैं, जो सबसे बेटर रहने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारे इस एम्पलीफायर के प्राइस की। सो फ्रेंड प्राइस मैं इसकी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आज जाकर आप इसकी प्राइस का चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट रह सकती है क्योंकि प्राइस फिक्स रहती नहीं है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।